हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं पूजा के लिए पंचामृत। सही तरीका और आसान भी है, ऐसे आप घर पे बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाता है। चलिए पंचामृत को बनाना शुरू करते हैं। पंचामृत बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। देखिए ये रहा मखाना, तुलसी पात्र है, ये घी है गाय के दूध का, और ये रहा काजू, बादाम, ये हनी है, और ये रहा मिश्री पाउडर। इसकी जगह आप चीनी भी यूज़ में ले सकते हैं। और ये रहा नारियल, हमने काट के ले लिया है। दूध जो है गाय का कच्चा दूध है, आप दूध जो यूज़ में लें वो कच्चा ही लें। और ये रहा दही, ये हमने गाय के दूध का दही ले लिया है। दही भी आप गाय के दूध का ही यूज़ में लें, ना मिले तो आप पैकेट का दूध भी यूज़ में ले सकते हैं, दही जमा के, और कच्चा भी उसे यूज़ में ले सकते हैं। और ये रहा गंगा जल। अब चलिए बनाना कैसे है ये देख लेते हैं। इसे एक बर्तन ले लिया है, इसमें जाएगा ये गंगा जल, और जाएगा इसमें ये घी। अब इसमें डालेंगे हनी, और जाएगा ये कच्चा दूध। अब जाएगा इसमें मिश्री पाउडर, और जाएगी ये दही। अब इसे हमें पहले मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिश्री पाउडर और दही जो है मिक्स हो जाए। अब डालेंगे इसमें हम तुलसी, और ये गए मखाने, जाएगा इसमें ये कटा हुआ बादाम, ये रहे नारियल कटे हुए, अब जाएगा ये कटे हुए काजू, अब इस पे से जाएगा तुलसी। लीजिए ये जो रहा, पूजन के लिए पंचामृत जो है बनाने का सही तरीका और आसान भी है। इस तरीके से आप पंचामृत को बनाइए। जन्माष्टमी पे किसी भी तरह का घर पे पूजा आप रखते हैं तो ऐसे आप पूजा के लिए पंचामृत बनाइए। और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।